अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भैया? उम्मीद अच्छे ठाक होंगे आप। आज मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तीसरा दिन है और आज खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है वो बता दूँगा। जी मैं राजा जियाउल हक साहब आ रहे हैं। राजा जियाउल हक साहब यूथ क्लब के एडमिन है, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर थे। मैं उनकी बहुत सारी यानी कि स्टेटस वगैरह लगाता रहता हूँ, बहुत अच्छे से सुन रहा था। यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं आज, एक टेंशन की बात है, उस वक्त हमारी क्लास है, अभी एक डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी भैया, हमें कोई लीव वगैरह दी जाए जो भी वो देखते हैं। अभी लेट हो गए तो ये इन शाला आपको वीडियो वगैरह दिखाएंगे, उसके बाद क्या फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं DSU के। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी, देखते हैं जाके फिर बताइए। हम थक हार चुके हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रूम ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला हमें। हमने पूरा लीव ले लेंगे अब, ये एक थक हार की क्लास हम ढूंढ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, ऑडिटोरियम चलो, ऑडिटोरियम चलो भाई, ऑडिटोरियम चलो नैना भाई, ऑडिटोरियम इंडिया की जमीन को टच कर रही है और एक बाजू जो है वो उसकी छोटी सी है, तो आप कहोगे ये बंदा भी एबनॉर्मल है, क्योंकि इसकी एक साइड पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एक साइड पे ग्रोथ नहीं है। उनका यार सुनोला ये सलमान अल फारसी से पूछे, इन्होंने मेरा कल रोजा करवाया, उसके बाद रात को मैं उठ के नमाज क्या लैल पढ़ना चाहता था, इन्होंने मुझे उसमें रखा है और एंड में बिल्कुल पढ़ने दिया, और अगले दिन मैंने सुबह रोजा रखना था, इन्होंने मुझे कहा नहीं रखो रोजा। करीम ने सलमान फारसी को बुलाया और पूछा कि क्या ऐसा ही है, उन्होंने कहा जी ऐसा ही है कि बेगम जो है वो बिल्कुल परेशान है, कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और ये जो है अपने जिस्म का भी ख्याल नहीं रखते और इसी तरह से बस सारी सारी रात इबादत में लगे रहते हैं, तो इनका जो ओवरऑल काम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो नबी ने फिर उनको फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे पे हक है, तुम्हारी फैमिली का भी तुम्हारे पे हक है और अल्लाह का भी तुम्हारे पे हक है। सलमान को ये चाहिए कि वो इनमें बैलेंस के साथ चले, मेरा जो है वो जिंदगी में मकसद क्या है, क्योंकि आपको जब तक अपना वाई नहीं पता होगा ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू डेवलप एनी काइंड ऑफ विजन इन लाइफ। यू हैव टू स्टार्ट विद वाई, वाई एम आई हियर, वाई डू आई हैव टू गो टू स्कूल, वाई डू आई हैव टू गो टू कॉलेज, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अगर आपको वाई नहीं पता होगा तो आपके लिए ना कॉलेज आना, यूनिवर्सिटी आना विल सीम लाइक अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ये नहीं पता आप क्यों आ रहे हो। मेरा क्या है कि इंसान, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए ब्लेसिंग का बायस बनते हैं, तो वो इसी तरह करते हैं, बड़ी खामोशी से करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ना लोगों का जो रवैया होता है ना उनके बारे में, वो बहुत शुक्र का और दुआ का होता है। हमारे जाने वाले ही हैं कि हमारे दूर के फैमिली फ्रेंड हैं, सऊदी में रहते थे वो, तो उनका मामला क्या हुआ कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त उनका बिजनेस था, सारा काम था, तो जब उनकी वफात हुई ना, तो वफात के कोई महीने के बाद घर पर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए, एक बंदा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, और ख़वातीन आ रही, और वो ख़वातीन तकरीबन मेरे ख्याल है कम व बेश कोई 50 से 60 ख़वातीन तकरीबन महीने महीना गुजरने के वफात के 10 दिन तक आती रही, 50 से 60, कभी किसी दिन 4 आ रही, किसी दिन 5 आ रही, और सब का क्लेम ये था कि हमारा जो महीने का मुआवजा लगा हुआ था वो बंद हो गया। तो जो बेटा था उनका, उसने इन्वेस्टिगेट किया कौन सा मुआवजा लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी ये उन्होंने बैंक स्टेटमेंट ला के दी कि हमारे बैंक में बाकायदगी के साथ ये पैसे हर पहली या दूसरी को ट्रांसफ़र हो जाते थे, और इतनी रकम किसी के अकाउंट में, कुछ अमाउंट जा रहा है किसी में, कुछ जा रहा है, डिपेंडिंग उसके बच्चे कितने हैं, उसकी नीड्स क्या, उसके हिसाब से किसी को 1,00,000 लगा हुआ है, किसी को 50,000 लगा हुआ है, किसी को 2,00,000 लगा हुआ है। तो वो पता चला कि जो उनके अब्बा जान थे वो खामोशी के साथ कोई 50-60 खवातीन जो बेवाएँ थीं उनकी कफालत का जिम्मा उन्होंने अपने सर पर लिया है। माशाल्लाह जी प्रोग्राम हो गया, मानदा से बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही आला मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा जियाउल हक। इनका यूट्यूब चैनल है और यूथ क्लब के नाम से फेसबुक पेज है, मेरा उस नाम से भी इसका चैनल है हजरत जी का। बहुत ही यानी कि मोटिवेट किया इन्होंने, अब क्वेश्चन आंसर का वो सेशन चल रहा था, तो ये एक नमाज के लिए चल रहे हैं, नमाज की टाइमिंग हो गई है 1:15 से पहली जमात है, 5 जमातें होती है, क्लास हमारी इंशाल्लाह 1:40 पे 1:30 पे करते हैं क्लास। चलो भाई चलो चलो नमाज पढ़ लो, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आपका वेलकम करते हैं न्यू चैनल पे, इस चैनल पे ऑडियंस कोई नहीं आ रही, तो ये कि इस चैनल पे भी आ जाएं आप लोग, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस चैनल पे आप लोग नहीं आ रहे। यानी मैं चैनल खोलता हूँ 3-4 सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं, तो पिछले चैनल मेरा काफ़ी यानी कि सब्सक्राइबर्स थे मेरे 50 के अराउंड थे, तो ये कि 50 गए थे, 50 नहीं थे, उड़ गया, अब ये एक गरीब बना हुआ हूँ, कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, तो ये पुरानी ऑडियंस को मैं किस तरह रीच करूँ, लेकिन ये कि जो देख रहा है नीचे सब्सक्राइब का बटन, ये कि आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर दो,
मेरी तकरीबन 400 वीडियोज़ हैं पिछले चैनल पे, अगर वो कहीं तो मिल जाता है मुझे। किसी वीडियो में मैंने ये बात नहीं की, सब्सक्राइब कर दो। हैं दानियाल भाई, दानियाल भाई भी बैठे हमारे साथ, तो ये एक आज बात कर रहा हूँ, ये सब्सक्राइब कर दो यार, तकरीबन 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। दानियाल भाई ने न्यू मोबाइल लिया, मैंने ये पिछले हफ्ते वीवो V23 का रिव्यू किया था, ये यूनिवर्सिटी रिव्यू सीरीज चले, यूनिवर्सिटी में रिव्यू करते हैं ऐसे फारिग टाइम होता है हमारा, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। स्टूडेंट फ़ोन रिव्यू, स्टूडेंट फ़ोन रिव्यू भी हमारे न्यू, यानी कि क्या चल रही है स्कीम, चल रही है इस न्यू चैलेंज चल रहा है, मिस्टर बीस चैलेंज चल रहा है। इस तरह किसी ने रिव्यू किया होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट से जाओ पूछो, अभी हम ऐसे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो हम स्टूडेंट से पूछेंगे, HOD के रूम में घुस जाएंगे, बहुत हरकतें करेंगे। फोन में दिखाता हूँ ये दानियाल भाई का, खोलो खोलो, निकल रहा खराब हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा ये फोन है, इसको गैस करो, पहले वीडियो को पॉज करो, रफा से गैस करो, अगर गैस नहीं कर पाए तो ये सैमसंग का A52 है, A52 फोन है ये। अभी जो लोग लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे, तकरीबन 55 के रेंज में फ़ोन है इसका, मैं कुछ शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ आपके साथ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मकसद ये है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, उनको ब्लॉग के साथ साथ कोई फ़ायदा भी हो, यानी कि वो लोग अगर देख रहे हैं हमारे टाइम कुछ लगा रहे हैं, वॉइस टाइम हमें दे रहे हैं, तो फ़ायदा भी उनको, यानी अगर कोई किसी की 55 की रेंज है, तो ब्रांड न्यू मोबाइल लेना चाहते हो, ये मोबाइल ले सकते हैं। ये मेड बाय वियतनाम है, और ये है कि 90 हर्ट्ज़ का इसके अंदर डिस्प्ले है, इसके अलावा ये कि 45 mAh की बैटरी है। बाकी इस पर सब नेट वगैरह पर देख लें, मैं इसको कैमरा आपको दिखाऊँगा, और ये है कि इसके अलावा और कुछ यानी मेन फीचर इसके बताऊँगा, ताकि आप ये कि इन्जॉय कर लें। दानियाल भाई ने कहाँ से लिया, किस तरह लिया, ये दानियाल भाई की ज़बानी था। अच्छा जी, ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD रेजोल्यूशन है, और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, इसमें स्मूथनेस फील होती है आपको, हैं दानियाल भाई, स्मूथनेस फील होती है। कलर बहुत प्यारा, दानियाल भाई कह रहे थे ब्लैक कलर, मैंने बोला बहुत अच्छा कलर आपने लिया है, और ये ब्लैक केस के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा देखें, ब्लैक केस के साथ इस तरह लगता है ये, इसका लुक देख सकते हैं, लुकिंग वाइज बहुत ही प्यारा फ़ोन है ये A सीरीज़ के फ़ोन। डिस्प्ले में अगर ये घिर जाए फिर तो काम तमाम हो जाता है, बाकी इसमें एक लिमिटेशन नज़र आई है इसकी, स्क्रीन की नीट्स जो कम है, ब्राइटनेस की नीट्स जो है ना बहुत कम है, तो ये कि फुल ब्राइट अगर डिस्प्ले आपका है धूप में फिर भी आपको लो लगेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो अभी मैं इसका कैमरा बिला झिझक आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि इसी के लिए बहुत सारे लोग लेते हैं कैमरा इसका, अगर यानी कि देखा जाए तो बगैर किसी शक के बेस्ट कैमरा है, यानी कि वीवो V23 से अच्छा कैमरा है ना दानियाल भाई, अच्छा कैमरा ना वीवो V23 जो चेक किया था हमने, वो भी सही था, उसका FPS उसका काम था, इसका कैमरा बहुत ही प्यारा मुझे लगा, लेकिन मैं इस तरह बात नहीं करूँगा, इसको चेंज करूँगा, यानी कि ऑन दी काउंट ऑफ 3 को कन्वर्ट करेंगे। दानियाल भाई काउंट करो भाई, 1, 2, 3। कैमरा स्विच हो चुका है, और ये जो कैमरा आप देख रहे हैं सैमसंग A51 का कैमरा है, FHD F2। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। A52 का कैमरा है, और फुल HD 50 FPS पे वीडियो बन रही है इसका, आप ये इस तरह शेक कर लूँ, और आपको सामने वाला मोबाइल हटा देता हूँ, क्योंकि एज अ प्रूफ मैंने लगाया हुआ था, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसका रेजोल्यूशन है। ये सूरत हाल है इसकी, अगर जूमिंग आपको दिखाएं तो भाई जूमिंग क्या है भाई, जूमिंग अच्छा जी, ये जूमिंग है इसकी, पिक्सल नहीं फाड़ रहा वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, और इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है, जूमिंग पे स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी, इधर देखें स्टेबल होके पीछे जा रहा है, और स्टेबल होके आ रहा है, और इधर स्टेबिलिटी अच्छी है, देखो एक जगह रुक जाता है। ये मेरे मोबाइल में नहीं है, एक चीज़ ये मैं मान सकता हूँ, फीचर सीधा मान सकता हूँ कि ये फीचर मेरे मोबाइल में नहीं है। 2K सैमसंग A52 से वीडियो बन रही है, और 50 FPS भी बन रही है, दानियाल में बैठे हुए हैं, और ये कि हमारा पीरियड एक ऑफ है, हमने बोला चलो आराम कर लें, अगली क्लास कौन सी है कोई पता नहीं है, लेकिन ये कुछ देर में क्लास ढूंढते हैं, अभी तक टाइम टेबल हमारा ये कि चेंज हो गया, टाइम टेबल पिछले दूसरे हिसाब से दूसरा जितनी क्लासें हमने रट्टे मारी हुई थी ना वो चेंज होगी, सारी क्लासें चेंज हो गई, सारा सिस्टम चेंज हो गया, सारा सेटअप चेंज हो गया, तबाही मच गई है, और ये है कि यूनिवर्सिटी जा रही है हमारी अच्छी जा रही है, लेकिन ये एक सीन हम देख सकते हैं क्या सीन है। दानियाल भाई कब्जा करने वाला हूँ यार इसका कैमरा, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रंट पे जूम है, फ्रंट पे जूम नहीं, जूम कैसे किसी किसी कैमरे का होता है, लेकिन लुक आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका, और ये अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं 65 की रेंज में, तो ये कि दानियाल भाई आपको कहेंगे खरीद लो, मैं तो कहता हूँ अच्छा मोबाइल है, रिलायबल है। दानियाल भाई कह रहे हैं खरीद लो, अच्छा मोबाइल है, पैसे जिसके पास ज़्यादा वो खरीद ले, जिसके पास पैसे ना वो खरीदे, रिलायबिलिटी के हिसाब से अच्छा मोबाइल है। अच्छा एक क्वेश्चन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, जैसे कि मीडिया हो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो,
डेली पाकिस्तान चैनल पे आप बैठे हुए हैं, तो ये एक बता दें, एक पॉइंट बता दें, किस लिहाज से यानी किस पर्पस के लिए आपने इस मोबाइल को सिलेक्ट किया? सारी कंपनी छोड़ के, सारे मोबाइल छोड़ के, ठीक है, सैमसंग ब्रांड और A52 ब्रांड को सिलेक्ट किया, एक बताना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है, यूनिक पॉइंट। देखिए सैमसंग का ये बात होती है क्योंकि दूसरी जो चाइनीज़ ब्रांड होती है ना, उनकी जो रैम होती है वो अक्सर DDR3 होती है। बिल्कुल, मतलब 12 GB रैम जो होती है वो आपकी एज अ 6 GB रैम के एक्ट करती है, लेकिन जो सैमसंग की है उनकी रैम कम होती है लेकिन DDR4 होती है। सैमसंग की रैम DDR4 होती है उसके हिसाब से। एक और भी बात है कि इनके जो एंड्रॉयड अपडेट्स होते हैं वो 5 ईयर सपोर्ट होती है, मतलब अभी ये जो मैंने मॉडल लिया है ये है पिछले साल का मॉडल, लेकिन अभी 4 ईयर सपोर्ट है इसके आगे, मतलब 4 ईयर तक अपडेट आते रहेंगे, तो मतलब 4 ईयर के अंदर, मैंने तो इस हिसाब से लिया था कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो पूरी इंजीनियरिंग के अंदर मोबाइल अप टू डेट भी रहेगा, चलता भी रहेगा और मतलब रिलायबल भी है। अच्छा आपने ये बात कही कि भाई DDR3 होती, DDR4 होती है सैमसंग में, लेकिन ये बात कहें कि A52 क्यों सिलेक्ट किया आपने सैमसंग S सीरीज, नोट सीरीज, सब सीरीज? S सीरीज के अंदर जो है वो मैं कहता हूँ कि जो असल जिनकी अपडेट्स रहती हैं अभी जो सपोर्टेड हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, जैसा कि जैसे कि 115 जो है वो तो FER फैन एडिशन जो है वो 115 में है, तो फैन एडिशन किस चीज़ का? 115 S20 FE जो है, S20 FE, ठीक है, 115 का आ रहा है वो, 115 का है, और वो FE है फिर भी वो एज एन A सीरीज की जो है वो एक समझो थोड़ा सा टोन अप वर्जन है। S10 Plus में नहीं आ रही है मतलब अपडेट्स? तो ये आप क्या कहना चाहते हैं भाई, आप सेटिस्फाई हैं 100% उट ऑफ 110? ठीक है भाई, चलें यही वीडियो का।